अमेठी जनपद से इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिमी द्वारा निवासी रिटायर्ड फौजी मृतक संतोष सिंह शाम 5 बजे मोटरसाइकिल से बाहर निकले, तभी पीछे से पिकअप द्वारा टक्कर लगने पर उनको गंभीर चोटें आई। संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी और थाना प्रभारी के सामने संतोष द्वारा बयान दिया गया कि ये हादसा किसी साजिश के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न चिन्ह पुलिस वालों के ऊपर ये बनता है कि उनके बयान के बावजूद भी अभी तक ना ही किसी से पूछताछ की गई है, ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है। इसको देखते हुए क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र प्रताप सिंह फौजी भाई के हत्यारे को मांग को लेकर चक्का जाम में शामिल युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर करुणेश सिंह, प्रदेश प्रभारी बृजभूषण सिंह रघुवंशी, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ठाकुर विष्णुपाल सिंह के द्वारा चक्का जाम किया गया है। मैं बीरेंद्र प्रताप सिंह, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। क्या हुआ था घटना? घटना ये हुई कि आयुष्मान में एक मरीज एडमिट थी, गांव की महिला थी, उसको डिस्चार्ज करा के ले आ रहे थे और पहले से इनको धमकी दी जा रही थी कि हम आपको मार देंगे, क्योंकि चुनाव में ये लड़े थे उनके खिलाफ। उनका ये है कि हम निर्विरोध जीतेंगे, कोई हमारे सामने नहीं आएगा, और इनका जिनका नाम लिया जा रहा है उदय प्रताप सिंह और विजय प्रताप सिंह, इनका आपराधिक इतिहास है और पहले भी इनके ऊपर तमाम केसेज हैं। थाने में सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर है वो यहाँ का, और लास्ट में जो बयान वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है अस्पताल में, जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो ये उठ रहे थे, तब तक गाड़ी बैक करके फिर से उसने चढ़ा दिया। और ये बयान जो है एसआई मौके मजदूर मौजूद थे थाने के, उन्होंने लिया और सारे हम लोगों के उसमें है, अभी आपको मैं सेंड कर रहा हूँ जो बयान है कि मतलब बैक करके उनकी हत्या की गई, गाड़ी बैक करके। क्या चाहते हैं आप? हमारी मांगे यही है कि कलेक्टर साहब आए या एसपी साहब आए, सक्षम अधिकारी हैं, गन फैक्ट्री में सीडीआर निकालें, उससे लोकेशन ट्रेस करें, क्योंकि वो जो अभियुक्त भी है उनसे मुश्किल से 300 मीटर के रेंज में ही था, वो आए उसको फैस करें, उसको पकड़ें, उसके घर उस मुखबिर पुलिस के हैं, वो घर जाते हैं और घर पर जो है वहाँ पे मुखबिरी कर रहे हैं, वहीं से सह पाता है, पैसे के बल पे सारा खेल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कार्रवाई हो, 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी अभी आप लोगों ने क्या किया है? मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, हमारे भाई है, फौजी थे, सेना में लड़े, देश के लिए लड़े और समाज के लिए लड़ रहे थे। अगर समाज के लिए लड़ रहे हैं तो अगर ये बुराई है तो ठीक है, हम लोग सही होते रहेंगे इसे। और पुलिस रुपया पे पुलिस घुस खो घंटा हो गया, कहीं कुछ नहीं, कोई जानकारी कुछ नहीं है।